तो भाई आज मैं घर जाने वाला हूँ और मेरा जो टिकट है कंफर्म हो चुका है, आरएसी पे है, तो इस वजह से मैं खाना भी बना रहा हूँ और पैकिंग भी कर रहा हूँ। आधा पैकिंग हो चुका है, थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है कि क्या लूँ क्या नहीं, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और काफ़ी टाइम के बाद अभी घर जा रहा हूँ। सोचा तो ऐसा था कि जब तक जॉब नहीं आता तब तक नहीं जाने वाला, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो भैया ये पीछे के बैकग्राउंड देख के आप समझ चुके होंगे मैं हैदराबाद में और नहीं हूँ। फाइनली मैं घर वापस आ चुका हूँ। आप मेरे लास्ट व्लॉग अगर देख चुके होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे पेरेंट्स आए थे घूमने के लिए हैदराबाद, और उनके साथ तो नहीं आया, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं आ गया, क्योंकि मेरे को कुछ काम था और हो सारे काम आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो बात ऐसी है कि जब मेरे पेरेंट्स घर वापस आ गए तो मैं वहीं पर रह गया था। तो उस टाइम पर मैंने क्या किया ना, मेरा दो तीन दिन इंटरव्यू मतलब लगातार शेड्यूल हो गया और मैंने वो सारे इंटरव्यू अटेंड किया, लेकिन कोई भी इंटरव्यू में मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। नॉर्मली देखो, एक चीज़ मैं आज बताना चाहूँगा, हमेशा क्या होता था ना, मैं ये सोचता कि मैंने बहुत सारे चीज़ें पढ़ लिया, जैसे कि जावा का स्प्रिंग बूट हो गया, माइक्रो सर्विस हो गया, वो सारे चीज़ें मेरे को आइडिया आ गया, और ये मेरे को एक बेनिफिट देता है कहीं ना कहीं। ये मेरे को मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि हाँ मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन अगर प्रोग्रामेटिक आप मेरे को कोई भी प्रोग्राम देते हो तो मैं उसको कर नहीं सकता। मतलब लॉजिकल प्रोग्राम, ऐसे थ्योरेटिकल प्रोग्राम देते हो तो मैं कर सकता हूँ उसको, लेकिन लॉजिकल जो प्रोग्राम होते हैं ना उनको रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है, और हमेशा से मेरे को वही चीज़ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो चीज़ ने। तो लास्ट टाइम भी सेम ही हुआ, मतलब दो तीन इंटरव्यू गया और वहाँ पे एक तो लॉजिकल प्रोग्राम दे दिया, फिर ऐसा हुआ कि कोई टेक्निकल सवाल ही नहीं पूछा, डायरेक्टली प्रोग्राम दे दिया, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ। और साथ में मेरे को नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लोग सिलेक्ट करने का मूड पे ही नहीं है, उनको सिर्फ मतलब रिजेक्ट ही करना है, ऐसा फील हो रहा था। अभी का सिचुएशन आपको भी बताया। बाकी उसके बाद मैंने क्या किया ना, मैं घर आने से पहले मेरा जो ड्रोन है वो मैं रिपेयर करना चाहता था, तो उसको मैं लेके गया, और बाकी वहाँ पे प्राइस ज़्यादा बोलने की वजह से मेरे बजट के बाहर था, तो इस वजह से मैं वहाँ से डायरेक्टली घर आ गया। पूरा 21 घंटा लगा पहुंचने में, बाकी पहुंच गया, फ्रेश हो जाता हूँ, हालत देख सकते हो, अभी पानी है। तो भाई जी सर, ऐसा हुआ कि थोड़ा सा बजट टाइट था, इस वजह से मैंने एसी पे नहीं किया। बाकी हालत देख सकते हो पूरा, इतना ज़्यादा गर्मी। बाकी मैं पहुंच चुका हूँ भद्रक स्टेशन, ऑब्वियसली घर नहीं जा रहा हूँ, काम है। बाकी फिर घर पहुंचते पहले दिन तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दिन मतलब हालत ही ख़राब हो गया, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, लूज मोशन, पेट खराब, और साथ में वॉमिटिंग वगैरह वो सब कुछ होने लगा, और वो सारी चीज़ें मतलब इस बार काफ़ी सीरियस था। नॉर्मली होता है, कभी कभी बार होता है, लेकिन इस बार काफ़ी सीरियस था। मेरा इतना हालत ख़राब हो गया था कि शाम तक मेरे को बुखार आ गया था, और फिर मेडिसिन लेने के बाद नेक्स्ट डे ठीक हो गया। बाकी नेक्स्ट डे कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। और गाइस देखो, सुबह सुबह क्या नुकसान हो गया, थोड़ा सा मतलब पता नहीं चल पाया, सिर्फ लेफ्ट में थोड़ा सा लग गया, और ये डेंटिंग चला गया, ये अंदर दब गया, साथ में इसमें क्रैश। देखो ऐसा है कि जब से मैंने गाड़ी चलाना सीखा है ना, जब मैं शुरुआत में सीख रहा था तो वो हमारा पुराना अल्टो कार था, उसमें थोड़ा सा लगा था, उसके बाद से कभी कोई भी गाड़ी मैंने कहीं पे भी नहीं ठोका, और ये पहली बार आज ऐसा हुआ। एक तो मेरा तबीयत खराब हो गया है, ऊपर से आज पहली बार ये हुआ। और गाइस जी ये सच है कि मतलब जब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब शुरुआत में मैंने एक दो बार ठोका था गाड़ी, उसके बाद कभी मैंने नहीं ठोका था। मतलब हमारे घर पे जो गाड़ी है वो 2017 को आया था, तो 2017 से लेकर अब 2023 तक मान लो मैंने आज तक मतलब कहीं पे भी ऐसे कहीं थोड़ा इधर उधर हो जाता है, जैसे कि मिरर लग गया हो, मिरर साइड को निकल के रहता है, वो थोड़ा सा नॉर्मली लग जाता है, बाकी कोई भी चीज़ कहीं पे भी नहीं लगा था, ये पहली बार हुआ। चलो अब हो ही गया है तो क्या ही कर सकते हैं, बाकी शादी का माहौल है जिसके लिए मैं आया था वो है, मतलब मेरे एक बहन की शादी है तो इसके लिए आया था, और ज़्यादा वीडियो वगैरह मैं बना नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली शादी में इतने सारे काम होते हैं, तो बहुत सारे काम करने की वजह से मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने जब शादी का मोमेंट में थोड़ा सा वीडियो बनाया था वो आप देख लीजिए।
फाइनली शादी भी ख़त्म हो गया और अभी घर वापस आने का टाइम है। बाकी वापस आने से पहले एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जो आप सभी को बताए, और मैंने उसके ऊपर वीडियो भी डाला था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो होने की वजह से मैं घर टाइम पे भी नहीं आ पाया। भाई कहीं जैसा कि घर तो आ गया लेकिन अभी करना क्या है, क्योंकि वापसी जाने में मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा। तो नॉर्मल प्लान ऐसा रहता है कि मतलब वीडियो वगैरह तो बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो सारी चीज़ें तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी गर्मी की वजह से ज़्यादा घूम नहीं सकते, क्योंकि अभी भी देख रहे हो सुबह के सिर्फ 8 या 9 बजे हैं और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका हूँ। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें है बात करने के लिए, लेकिन आज इस वीडियो पे बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा और एडिटिंग में टाइम लगेगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो करके मैं आपको वर्क नहीं करना चाहता। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, आज के लिए बस इतने, बाय बाय गाइस।